हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, सुबह के 8:45 के करीब हो रहे होंगे। टाइम फिक्स नहीं रहता क्योंकि टाइम देखने का टाइम ही नहीं होता। अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आ गई थी और सब लोग चले गए। सारा काम हो गया था मेरा, तो मैं उसमें कपड़े धो रही थी। और ये कपड़ों का एक्स्ट्रा काम ही समझती हूँ मैं, क्योंकि अगर मुझे मशीन लगाती होती है तो मैं सुबह सवेरे लगा देती हूँ, लेकिन अभी मुझे हाथ से ही धोने थे। और ज़्यादा कपड़े नहीं होते, रोज़ की रोज़ निकाल देती हूँ, क्योंकि मौसम का भी ऐसा ही रहता है, मौसम कब बिगड़ जाए। और कपड़े इकट्ठा हो गए तो बस वो सुखाने घर में मुश्किल आ जाते हैं। यहाँ रस्सी बांधो, वहाँ बांधो, तो वो नहीं होता। अपना जैसा मौसम देखती हूँ उसी के हिसाब से मैं कपड़े धो देती हूँ। तो अभी कुछ ऐसा काम भी नहीं था, मैंने सोचा चलो ये कपड़े धो दूँ। और ये तकिया भी धोना था क्योंकि इस पर दवाई डली हुई थी, उस दिन बेडशीट सारी ख़राब कर दी थी अथर ने। ये तकिया धो रही थी, और ये तकिया है ना, आपको विश्वास नहीं करोगे, ये 11 साल पुराना है मेरा। क्योंकि जितने साल मुझे दिल्ली में आए हुए होंगे, मैंने तभी आके लिया था। और ये 2 का सेट था। इसको आप मशीन में वॉश करोगे ना, तो मशीन में ये भी इतना अच्छा रहता है, ये बहुत अच्छी फाइबर का है, ख़राब नहीं होता। जैसा गांठ सी बन जाती है कतकियों में, तो वो चीज़ नहीं है इसके साथ। और जब कपड़े धोने बैठो तो एक तो धुलते नहीं है, फिर ये रोज़ के कपड़े हैं ना, मैंने निकाल दिए थे इनको भी। और इसी बहाने से मेरा तकिया भी है ना साफ़ हो गया, क्योंकि वाइट कलर का है, और वाइट कलर पे मैल है ना दिखता ही है। चाहे कितना भी इसके ऊपर है ना मैं कवर डाल के रखती हूँ, सभी डालते हैं, लेकिन फिर भी गंदा तो हो ही जाता है जब सर लगता है। और इसको है ना मशीन में डालूँगी, ऐसे ही सुखा दूँगी, निचड़ जाएगा, क्योंकि धूप सही थी आज, धूप निकल रही थी, हवा भी चल रही, तो इसको बाहर डाल दूँगी। और ज़्यादातर है ना मैं हाथ से ही धो लेती हूँ कपड़े, क्योंकि मशीन के लिए है ना कई दिन, रोज़ रोज़ तो मशीन लगती नहीं, कपड़े थोड़े रहते हैं, तो अपना रोज़ के रोज़ निकाल दो ना, तो काम बढ़ेगा ना टाइम इतना लगता है, क्योंकि हर काम देखना होता है। और ये जो येलो कलर की टी शर्ट है ना, ये मेरे बेटे की वेडनेसडे की ड्रेस है, ये वेडनेसडे को ही पहन के जाता है एक ही दिन में, तो बस उसको निकाल देती हूँ। फिर थर्सडे को नहीं धोती, बस ओनली थर्सडे ही एक ऐसा दिन जाता है जो हम कपड़े नहीं धोते। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग का नहीं धुलता थर्सडे को कपड़े, तो बस मेरे कपड़े धुल गए हैं, अब इनको ऐसे ही टांग दूँगी मशीन में। नहीं, आज तो मैं मशीन में सुखाऊँगी भी नहीं, बोला ना आपको वो कि धूप है अच्छी, तो बस ऐसे ही धूप में डाल दूँगी। अगर मौसम ख़राब थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि आज कपड़े नहीं सूखेंगे, तब मैं मशीन में डाल देती हूँ सुखाने के लिए, नहीं तो सुखा भी मैं ऐसे देती हूँ अगर धूप अच्छी है तो। और मेरे बाथरूम के सामने ही ना मेरी लॉबी पड़ती है, तो वहाँ मैं फ़ैन चला देती हूँ, तो सीधी हवा इसमें बाथरूम में मतलब हल्की हल्की लगती रहती है, तो इतनी गर्मी नहीं लगती इसमें। लेकिन ऐसे बैठोगे तो बैठना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं तो बस पंखा चला के तभी कपड़े धो देती हूँ। और 15-20 मिनट भी मेरे कपड़ों को लगता नहीं, एक एक दो दो जोड़ी कपड़े होते हैं तो जल्दी निकल जाते हैं बस। और जितना काम है ना इस टाइम निपट जाए तो अच्छा है, क्योंकि जब फिर बच्चे लोग आ जाते हैं तो वो फिर उनके खाने में लग जाओ, खाना भी बनाना होता है, रोटी साथ के साथ ही फिर मैं बना देती हूँ जब वो आते हैं, अपनी भी जब भी बनाऊँगी और बच्चों की भी, तो बस उसमें टाइम लग जाता है। और फिर फ़ोन का एक चक्कर है, फ़ोन को अगर लेके बैठ जाओ ना तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। और एक सूट को सिलने में भी मुझे आ जाए ना कई दिन हो गए, वो इनर वाला सूट था, उसको एक दिन तो काट के, एक दिन तो सूट की कटाई की और एक दिन मैंने उसको चिपकाया था, और थोड़ा थोड़ा करके सिल लेती हूँ बस। 10 बजे अगर मेरा काम 10:30 तक निपट गया तो मैं 12 बजे तक कर लेती हूँ अपना मशीन का काम। और जब एक बार मशीन लेके बैठ जाओ ना, तो मशीन के में भी थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत काम निकल जाता है।
वही नहीं है कि एक काम को लेके बैठे हैं, कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहा। अब घर में है, इतने काम होते हैं बहुत ज़्यादा, तो बस मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ और आपसे बातें भी कर रही हूँ। पता नहीं आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है नहीं, लेकिन मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। सच में एक ऐसा अटैचमेंट हो गया है, टाइम का पता नहीं चलता है। और YouTube पर आकर बस एक फैमिली सी हो गई है, अपना पूरा दिन आराम से कटता है, हमें काम भी मिल गया। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पैसे के लिए ही होती है, लेकिन पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, पैसा जितना आ जाए कम है, लेकिन रिश्ते भी अपने मायने रखते हैं। और सच में आपके इतने इतने प्यारे प्यारे कमेंट जब पढ़ती हूँ बहुत अच्छा लगता है। सच में एक रियलिटी सी आ जाती है, अब दूसरे के मन का नहीं पता, लेकिन सामने जो हमें कमेंट पढ़ने को मिल रहे हैं वो अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं, अच्छा लगता है। और सपोर्ट भी काफ़ी मिलता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हाँ इतना होता है कि हाँ लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, हमें कहीं ना कहीं हमारी बातें या हमारा काम करने का ढंग उन लोगों को पसंद आता है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। और आगे है ना काम करने को मन भी करता है, और जब अपनी वीडियो अच्छे से दिखती है कि लोग पसंद कर रहे हैं तो बनाने का भी मन करता है। हाँ अच्छी अच्छी सी चीज़ें, अच्छे अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ, कुछ नया दिखाने की। आपका सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना रहे, जितना आप सपोर्ट कर रहे हो सच में बहुत ज़्यादा। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो अगर अच्छी लगती है तो, और सच में अगर कुछ भी किसी भी बात की कुछ भी कमी लगती है तो मुझे बताओ, तभी तो मैं उस चीज़ को सुधारने की या अच्छा करने की कोशिश करूँगी, कुछ अलग दिखाने की कोशिश करूँगी। और जब YouTube पे आए हैं तो देखिए जो लोग हमें अच्छा कह रहे हैं तो कुछ उनमें से एक दो बुरा कहने वाले भी होंगे, तो उस चीज़ को भी अपने मन में सोचकर चलिए कि हाँ अच्छे लोगों के साथ बुरे भी होंगे, कोई बात नहीं है। अच्छे अच्छे चीज़ की तरफ, अच्छे लोगों की तरफ ध्यान दो। अब जहाँ दोस्त होते हैं तो एक दो दुश्मन भी होते ही हैं, पता नहीं किसी को अच्छा नहीं लगता हमारे बोलने का तरीका, हमारे काम करने का, तो कोई बात नहीं है। आप अच्छे फ्रेंड को लेके चलिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छा अपना काम करिए, अपने काम में है ना, अपने काम को अच्छा करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि लोग हाँ हमसे कुछ सीखें या हम लोगों से कुछ सीखते हैं। और जब कमेंट मिलता है कि तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो देखिए आपसे बातें करते हैं ना, मेरे कपड़े भी धुल गए और मैंने सारे कपड़े धो दिए। अब मैं अपना है ना बाथरूम क्लीन कर दूंगी और वीडियो को भी यहीं पर एंड करूंगी। फिर मिलेंगे।